प्रदेश में बस हादसों के बाद ओवरलोडिंग को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और बीजेपी सरकार को हादसों पर घेरा है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने हादसों पर दुख जताया तो प्रदेश सरकार को हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि प्रदेश सरकार दिखावा करने के लिए ओवरलोडिंग कम करने की बात कर रही है। प्रदेश में बस हादसों के बाद ओवरलोडिंग को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है और बीजेपी सरकार को हादसों पर घेरा है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने हादसों पर दुख जताया तो प्रदेश सरकार को हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि प्रदेश सरकार दिखावा करने के लिए ओवरलोडिंग कम करने की बात कर रही है। शर्मा ने बीजेपी नेताओं के बस हादसों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं के हादसों के बचाव के बजाय उल्टा कांग्रेस को दोषी ठहराया हास्यपद है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के नुमाइंदे अपने 1.5 साल के कार्यकाल में किसी भी समस्या का हल निकालने में असफल हुए हैं। में दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद विषय है। अभी पिछले कल शिमला में दुर्घटना हुई, उससे पहले कुल्लू में हुई और भी आए दिन हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि बहुत दुखद विषय है और इसके ऊपर सरकार को कड़ाई से नियम बना कर के कोई काम करना चाहिए। और जहाँ तक आपने ओवरलोडिंग की बात कही, कोई भी सरकार किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले कोई योजना बनाती है। अब जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है, रातों रात आप किसी योजना को घबरा कर के अगर अमली जामा पहनाना चाहते हैं और उसका बैकअप अगर आपके पास नहीं है, उसका समाधान आपके पास नहीं है, तो कोई भी योजना जो है वो पब्लिक के लिए दुख का कारण बन जाती है। ओवरलोडिंग के चलते अब बसों में आप देखिए कि लोगों को, यात्रियों को बसों में बैठने के लिए मनाही कर रहे हैं लोग, उनका अब जो ओवरलोडिंग के चलते लोग हैं, सरकार ने एक्सेस के जो यात्री हैं उनके लिए क्या योजना बनाई है? सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई है, तो केवल मात्र एक महज दिखावा करने के लिए आप ये कहते हैं कि ओवरलोडिंग करने से दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। हो सकता है आपका दृष्टिकोण सही हो सकता है आप ठीक सोच रहे हो और हो सकता है हम भी ऐसा सोच रहे हों, लेकिन ओवरलोडिंग कम करने के साथ साथ आपकी जिम्मेवारी है यात्रियों को सुविधा प्रदान करना। तो सरकार का तो ऐसा लग रहा है कि केवल मात्र अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए सरकार जो है ओवरलोडिंग का नाम दे रही है। एक दुखद घटना होने के बाद यात्रियों को और दुख के कारण झेलने पड़ रहे हैं। तो जयराम सरकार और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार जो है किसी भी योजना को बिल्कुल विधिवत तरीके से लागू करने में बिल्कुल असफल साबित हो रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के बस हादसों के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराना हास्यास्पद करार दिया है और कहा कि बीजेपी नेताओं को कभी किसी दुर्घटना होने पर पूर्व की कांग्रेस सरकार को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश और देश में सरकार बुरी तरह से असफल हुई है। शर्मा ने कहा कि सरकार के नुमाइंदों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, नहीं किया तो जनता आने वाले समय में इसका करारा जवाब देगी। कई बार तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर हमें हंसी आती है। अब ये कहना कि ये जो खामियां हैं पुरानी हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, नई सरकार अगर यही रोना रोती रहे कि पुरानी खामियां हैं, अब वो कौन सी खामियां आप हमें बताइए? हमारे कांग्रेस के सरकार के समय में क्या ऐसी दुर्घटनाएं होती थी? क्या इस तरीके के कार्यक्रम होते थे? अगर होते थे तो उनको रोकने के लिए किसी कार्यक्रम को स्थापित किया जाता था। लेकिन अगर मानिए उनकी बात अगर सही भी है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई काम नहीं करेगी? पुरानी खामियों के चलते वो हमेशा अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लेगी? उनका तो एक मजाक बन गया है। कभी कोई बात हो, हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों में कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। कभी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई घटना हो जाए तो पुरानी खामियां हैं। तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक बहाना है अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए। लेकिन लोग जो है अच्छे ढंग से इन बातों को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बातों के सिवाय कोई भी नई योजना विधिवत तरीके से लागू करने में असफल रहे हों, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो जयराम की सरकार हो। अब आप हमीरपुर में देख लीजिए, हमीरपुर में आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा हमें मालूम नहीं है, जिला प्रशासन क्या कर रहा हमें मालूम नहीं है।
तो कुल मिलाकर के इनके बहाने हैं, लेकिन ये बहाने ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। इनको अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब इनसे मांगना जानती है। और हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि योजनाओं को लागू ना करना किसी भी सरकार की असफलता मानी जाती है। वक्त तो चलक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।